तो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज आवर। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है रिगार्डिंग सीयूईटी पीजी 2023 एलएलबी और एलएलएम एडमिट कार्ड से रिलेटेड, और आपके एडमिट कार्ड कब रिलीज होने वाले हैं सीयूईटी पीजी 2023 एंट्रेंस एग्जामिनेशन के, उसकी डेट अनाउंस हो गई है, डेट रिलीज कर दी गई है, और वही अपडेट मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हाय, आई एम शिवम पांडे, एंड जो ने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत जाइए, सबसे पहले नॉलेज आवर को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम आपको सीयूईटी पीजी की अपडेट देते हैं। कोई भी नोटिफिकेशन आती है सबसे पहले आपको बताते हैं, इसके साथ साथ एलएलबी और एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग आपको इस पे हम कंटेंट भी प्रोवाइड करते हैं। हमारे इंस्टाग्राम चैनल और टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो करें, उससे जरूर कनेक्ट हो, क्योंकि इस पे हम कंटेंट डालते रहते हैं। चलिए बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करें। तो देखिए, अभी एक ट्वीट आया है मामी डाला, दैट इज जगदीश कुमार मामी डाला का, जो यूजीसी चेयरमैन है, और उन्होंने एक ट्वीट किया है कि एनटीए जो है, एनटीए वो रिलीज करेगा सिटी इंटीमेशन स्लिप। देखिए, एनटीए ने 5 तारीख से लेके 8 तारीख, दैट इज 5 जून से 8 जून 2023 तक जो एग्जाम होने वाले हैं, उनका सिटी इंटीमेशन दे दिया है, पर उसने बाकी एग्जाम्स का जो 9 से 12 तक होने वाले हैं उसका सिटी इंटीमेशन नहीं दिया है। ये बता दिया है एग्जाम कब होंगे, बट उनका सिटी इंटीमेशन नहीं दिया है। इसके साथ साथ ये ट्वीट ये भी है कि जो एडमिट कार्ड्स हैं उसके रिगार्डिंग भी बताया गया है, और ये कहा गया है कल, दैट इज टुमारो, कल से एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग आपकी नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएगी, और आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपका रिलीज होना शुरू हो जाएगा। आपको पता ही होगा 8 जून को आपका एलएलबी का एग्जाम है, और कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन थी कि एलएलबी शो नहीं कर रहा है, तो बेसिकली जो जनरल पेपर है उसी पेपर के थ्रू आपके एलएलबी में एडमिशन होने वाले हैं डीयू और बीएचयू एंड अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, और 9 जून को आपका एलएलएम का एग्जाम है। सो 8 जून को जो आपका एग्जाम है, कल से उसके एडमिट कार्ड रिलीज होने की संभावना है, और ये चीज बताई गई है जो यूजीसी चेयरमैन है उनके ट्वीट में। सो आप बिल्कुल कल से वेबसाइट चेक करना शुरू कर दे। चेक करने का सिंपल सा तरीका है, जहां आपने फॉर्म भरा था वहीं पे जाके आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है, और अपना डेट ऑफ बर्थ आप डालेंगे तो आपका लॉग इन हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।